प्रातिकाली उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता प्रातिकाली उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता आयुष मांगी करही पुर काजा आयुष मांगी करही पुर काजा देख चरित हर सही मन राजा देख चरित हर सही मन राजा वेद पुराण सुनही मन लाई आप कहीं अनुजन समझाई वेद पुराण सुनई मन लाई आप कहीं अनुजन समझाई अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही यही विधि सुखी हो ही पूरे लोका करही कृपा निधि सोई संजोगा यही विधि सुखी हो ही पूरे लोका करही कृपा निधि सोई संजोगा करही कृपा निधि सोई संजोगा करही कृपा निधि सोई संजोगा ये भगवान की दिनचर्या प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही मात आयसु मांग करही पुर काजा काम सब राम जी संभालते हैं लेकिन पिताजी से पूछ पूछ कर बेटा इतना योग्य हो जाए कि सारी जिम्मेदारियां संभाल ले अच्छी बात लेकिन इसके बाद भी शिष्टाचार ये है कि करो तुम निर्णय तुम सब लो परंतु अपने से जो बड़े हैं उनसे पूछ लो अनुमति ले लो उनके संज्ञान में करो उनको बता करके करो तो उन्हें अच्छा लगेगा यही मर्यादा है। राम जी ऐसे ही करते आयुष मांग करें पुर काजा और इनके चरित्र को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित होते बड़े प्रसन्न होते और चारों भाइयों का परस्पर प्रेम कितना अद्भुत है। भ्रातृत्व प्रेम की शिक्षा राम जी के चरित्र से लेनी चाहिए। आज हम रामायण पढ़ते हैं रामायण पाठ करते हैं और संपत्ति के लिए अपने भाई से ही मुकदमा लड़ते हैं कोर्ट कचहरी करते हैं काहे को रामायण पढ़ते हैं भाई रामायण पढ़े तो राम जी के चरित्र को अपनाओ। राम जी ने अयोध्या के राज्य को अपने भाई के लिए छोड़ दिया ले जाओ और जब भरत जी आए तो भरत जी ने कहा ये राज्य मैं नहीं लूंगा ये तो राम का है। अयोध्या जैसे समृद्धशाली राज्य को अयोध्या का राज्य साधारण नहीं अयोध्या के राज्य को देख करके इंद्र को भी लज्जा होती थी कि ऐसा राज्य मेरा नहीं है। अयोध्या का जो खजाना उस खजाने को देखकर देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर को भी संकोच होता था कि मेरे खजाने में इतना माल नहीं है जितना अयोध्या में है। अवध राज सुर राज सिहाही अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लकी धन दिल जाई दशरथ धन लकी धन दिल जाई अयोध्या के धन को देखकर धनद कुबेर को भी लज्जा होती और ऐसा समृद्धशाली राज्य को दोनों भाइयों ने फुटबॉल बना दिया। राम जी इधर से ठोकर मारते हैं तो वो फुटबॉल भरत जी के पाले में चली जाती है भरत जी उधर से ठोकर मार देते नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए वो राम जी के पाले में चली जाती। अयोध्या के राज्य को गेंद बना करके मानो खेल रहे हैं। ये भ्रातृत्व प्रेम हम रामायण पढ़ें
लेकिन रामायण के उपदेशों का हमारे जीवन में आचरण न हो तो रामायण पढ़ने का क्या मतलब। भाई भाई से पैसे के लिए मुकदमा लड़ो, धन के लिए लड़ो। राम कथा सुनने का यही फल है कि राम जी के चरित्र का अपने जीवन में अनुकरण करो। चारों भाइयों का भ्रातृत्व प्रेम कैसा है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापर। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में इतनी भक्ति रखते हैं कि लक्ष्मण जी राम जी के बिना रह नहीं सकते। लेकिन वाल्मीकि जी इससे आगे बढ़कर के एक बात कहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, ये तो बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि लक्ष्मण के बिना राम नहीं रह सकते। क्यों? बोले बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी राम जी के बाहरी प्राण हैं, और प्राण के बिना कोई कैसे रह सकता है? ये प्रेम, ये प्राण का उदाहरण देने का मतलब क्या है? बोले जो अत्यंत प्रिय होता है उसी को प्राण कहा जाता है। जिससे ज्यादा प्रिय दुनिया में कोई न हो उसको कहते हैं प्राण। आपको अगर आपसे कोई पूछे आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो अंत में व्यक्ति यही कहेगा भाई अपना प्राण सबको प्रिय है। हम सब दे देंगे, अपना प्राण थोड़ी देंगे, सब ले जाओ मेरा प्राण छोड़ दो। अंत में व्यक्ति अपने प्राण के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, क्योंकि प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं हो सकता। और अपने प्राण के बाद अगर दुनिया में कोई अत्यंत प्रिय होता है तो उसको भी व्यक्ति प्राण कहता है। लोग कहते हैं महाराज ये मेरे प्राण प्रिय है, प्राण के समान प्रिय है, और उसी को दूसरी भाषा में प्राण को ही जान कहते हैं। लोग कहते हैं ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, ये मेरे प्राण है, अत्यंत प्रियता का वाचक है। ये हंसने वाली बात नहीं, ये सब शास्त्र सम्मत है। और अपना प्रिय जाने लग जाए तो किसको अच्छा लगेगा? अपना प्राण जा रहा है ये दुख होगा। गीत में गाते हैं वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा। तात्पर्य इसका क्या है? बोले अत्यंत प्रियता, अत्यंत प्रिय। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्राण हैं। बहि प्राण इवापरः, बाहरी प्राण है। एक प्राण तो राम जी के श्री विग्रह में है जो उनका अपना प्राण है, और दूसरा प्राण अगर राम जी का कोई है तो वो कौन है? बोले वो लक्ष्मण जी। बहि प्राण इवापरः, और राम जी लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी रह सकते हैं लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। और वाल्मीकि जी की ये पंक्ति पूरी लीला में चरितार्थ होती है। पूरी रामायण आप सुनोगे, सुनते हो, और जितनी भी राम कथा दुनिया में सुनोगे पढ़ोगे सब जगह ये पंक्ति घटित होगी। क्या पंक्ति? वाल्मीकि जी कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, इतने प्रिय हैं लक्ष्मण। नचते न बिना निद्राम लभते, मृष्टमन्नम उपानीतम अस्नाति नहितम बिना। सुंदर सुस्वादु व्यंजन बना करके माताएं रख देती हैं और रामलला से कहती सरकार आरोगो जीमो, तो राम जी इधर देखते उधर देखते थाली की ओर नहीं देखते। मैया कौशल्या पूछती लाला इधर उधर क्या देख रहे हो, तो राम जी धीरे से कहते मैया लक्ष्मण कहाँ है? बोले लक्ष्मण कहीं खेल रहा होगा। तो भगवान कहते लक्ष्मण को बुलाओ तब मैं भोजन करूं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी भोजन भी नहीं करते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मृष्टमन्नम उपानीतम अस्नाति नहितम बिना। दो बातें यहां पर कही,
लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती और लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन नहीं करते। और जीवन के लिए ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, भोजन और निद्रा है। भोजन मिले लेकिन आपको सोने का मौका ना मिले, बोले दिमाग पागल हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जब वो बहुत दिन नहीं जी सकता व्यक्ति। और सोने को मिले लेकिन खाने को ना मिले, बोले तब भी जिंदा नहीं रहे। और कुछ मिले ना मिले, पहनने के लिए कपड़ा ना मिले, व्यक्ति जिंदा रहेगा, खाना मिलता रहे और सोने को मिले, लेकिन इन दो में से एक भी चीज नहीं रही तो व्यक्ति का जीवन नहीं रहे, निद्रा और भोजन। और राम जी की निद्रा और राम जी का भोजन किसके आश्रित है, बोले लक्ष्मण जी के आश्रित। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्न उपानीतम अस्नाति नहितम बिना। अब व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो ये दो काम तो करेगा ही करेगा, खाएगा और सोएगा, और काम न हो लेकिन ये दो काम तो जीवन में होना ही है। जीवन के लिए खाएगा और विश्राम करेगा, सोएगा। अब राम जी जहां जाएं तो ये दोनों काम उनका कैसे हो, बोले लक्ष्मण के बिना न नींद आएगी न लक्ष्मण के बिना भोजन करेंगे। तो अब मजबूरी है कि लक्ष्मण को हर जगह साथ में ले जाना है। इसलिए पूरी रामायण आप पढ़ लो, लक्ष्मण जी के बिना राम जी कभी नहीं रहे। भरत के बिना रह लेते, अपने माता पिता के बिना भी राम जी रह लेते, यहां तक कि अपनी प्रिय भार्या सीता के वियोग में भी राम जी रह लेते हैं, रोते हैं लेकिन रह लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के बिना कभी राम जी रहे हो ऐसी पूरी रामायण में कहीं कोई कथा आपको नहीं मिली। अयोध्या से मिथिला के लिए भी चले तो लक्ष्मण जी साथ में चले, अकेले नहीं गए। लौट के आए तो वन की यात्रा में भी गए तो लक्ष्मण जी साथ गए। वहां जाने के बाद सीता जी का हरण हो गया लेकिन लक्ष्मण जी साथ में रहे। वहां से आने के बाद, अयोध्या आने के बाद भरत जी को गंधर्वों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, शत्रुघ्न जी को मथुरा भेज दिया राम जी ने, मथुरा का राजा बना दिया। लेकिन लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं गए, जहां राम जी रहते वहीं लक्ष्मण जी। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्न उपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता, शयन भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राम जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां लक्ष्मण जी जाते हैं, ऐसा नहीं है। अपितु लक्ष्मण जी जहां जहां जाएंगे राम जी वहां वहां जाएंगे। क्यों, बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी जा नहीं सकते। इसीलिए आज भी भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाता है तो राम जी के साथ में लक्ष्मण जी की भी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। भरत जी रहे न रहे कोई बात नहीं, कहीं राम जी का मंदिर होता है तो उसमें कितने लोग रहते हैं, राम जी सीता जी और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जाने। हनुमान जी न रहे काम चलेगा, रहे अच्छी बात है, और हनुमान जी की अगर प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो कोई बात नहीं चलेगा। भाई भरत भाई शत्रुघ्न रहें न रहें चलेगा, यहां तक कि सीता जी भी भगवान के साथ न रहें तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसीलिए कहीं भी आप मंदिर देखोगे तो लक्ष्मण जी साथ में जरूर रहते। और यहां तक कि भगवान का अगर ध्यान भी करना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम का ध्यान करो तो साथ में लक्ष्मण जी का भी ध्यान करो। क्यों, बोले ध्यान में भी राम जी तुम्हारे तब आएंगे जब लक्ष्मण जी साथ में रहेंगे, अकेले वो आ ही नहीं सकते, लक्ष्मण के बिना वो कहीं जाते नहीं। ये सब रहस्य है रामायण का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी। तो राम जी का ध्यान भी करो तो साथ में लक्ष्मण जी का ध्यान हो, तब राम जी आपके ध्यान में आएंगे। तो लक्ष्मण जी के प्रति राम जी का इतना लगाव, इतना प्रेम,
राम जी अगर शिकार करने के लिए जाते हैं मृगया करने के लिए, तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघव अथैनम पृष्ठतो भेति साधनो परिपालयन। राम जी घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे बैठ करके जाते। लक्ष्मण जी किस लिए जाते? शिकार करने के लिए? बोले नहीं, मृगया करने के लिए, मृग क्रीड़ा, मृगया क्रीड़ा करने के लिए तो राम जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी तो उनकी सेवा में पीछे पीछे। ये परस्पर प्रेम भाइयों का, इस प्रेम को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। लेकिन एक दिन दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे और दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। किस बात की चिंता? बोले दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, और इतनी चिंता हुई कि वो चिंता अपने तक नहीं रही। जब किसी बात की चिंता होती है, वो चिंता छोटी होती है तो व्यक्ति अपने अंदर ही रखता है, ज्यादा हो जाती है तो अपने किसी खास व्यक्ति से वो शेयर करता है, बताता है। बहुत ज्यादा हो जाती है तो और लोगों से भी वो चर्चा करता है, और जब वो चिंता बड़ी भयानक हो जाती है तो सबसे कहने लगता है। अपने पुत्रों के विवाह को लेकर दशरथ जी को इतनी चिंता भई